हाइड्रोजन एटम इज राइज फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, तो हाइड्रोजन एटम इज राइज फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। अगर मैं ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेशन स्टेट की तरफ बढ़ता हूँ, कहाँ तक जाऊँगा भैया, इन्फिनिटी तक, तो मुझे क्या चेंजेस मिलेगा? देखो अच्छा क्वेश्चन है, समझ लो, बहुत सारे बच्चे इसमें डाउट होते हैं। एन इज इक्वल टू वन, एन इज इक्वल टू टू, एन इज इक्वल टू थ्री, और एन इज इक्वल टू फोर, और एन इज इक्वल टू फाइव, और ये डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं इधर जाऊँगा, मैं इधर जाता हूँ, तो टोटल एनर्जी हमेशा इनक्रीज होती है, ये बात हम सबको पता है, और ये एनर्जी मैक्सिमम होती है, और वो होती है ज़ीरो इन्फिनिटी पे जाके, टोटल एनर्जी ज़ीरो। तो हम सबको पता है कि जब ये ऊपर जाएंगे तो एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन स्टेट बढ़ेगा, और अप टू इन्फिनिटी तक मैं चला जाऊँगा। तो इस प्रोसेस में काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमें प्रिडिक्ट करना है। हम सबको पता है कि अगर इधर से हम दूर जाते हैं तो वेलोसिटी डिक्रीज, स्पीड डिक्रीज होती चली जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है, ठीक है, समझना। तो काइनेटिक एनर्जी, जब हम सबको पता है, थ्योरी में पढ़े हैं कि ऊपर से नीचे जाते हैं तो न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो स्पीड डिक्रीज होता चला जाता है, और स्पीड डिक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है, मतलब बहुत इंक्रीज, ये तो सही नहीं है, और या तो बी ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रहा है और पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, काइनेटिक इंक्रीज करेगा, ये भी गलत है, और पोटेंशियल और काइनेटिक इन दोनों डिक्रीज करेंगे, या तो ये सही है या तो ये सही है। अब पोटेंशियल का क्या हाल होगा? तो हम सबको पता भाई, एक भाई तीनों चीज़ में से एक तो पता होगा तभी तो कर पाओगे। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों में से कोई एक इन्फॉर्मेशन तो पता हो। तो अगर हमें पता है कि टोटल एनर्जी इंक्रीज होती है और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी को भी तो इंक्रीज होना पड़ेगा, तभी तो टोटल एनर्जी इंक्रीज होगी जब काइनेटिक डिक्रीज हो रही है, पहले से पता है हमें, तो पोटेंशियल को इंक्रीज होना पड़ेगा, तभी तो टोटल इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज, मतलब डी ऑप्शन सही है। या नहीं तो आप फार्मूले से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो, देखो फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो, अगर नहीं इस तरह से खुश हो तो यार तुम्हें ऐसा पढ़ाऊँगा कि मज़ा आ जाए तुम्हें ना। तो टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी की आधी हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू आ जाएगी, हो जाएगी टू टाइम्स टोटल एनर्जी, तो टू टाइम्स टोटल एनर्जी माइनस 13.6 एन स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये वाली चीज़ यहाँ से। तो अब भाई जेड, अगर वट एवर जेड, जेड तो फिक्स है, कॉन्स्टेंट है, तो एन स्क्वायर तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, निगेटिव है, तो जब ऊपर जाओगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा, एन की वैल्यू बढ़ेगा, तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, दैट इज बिकेम लेस निगेटिव, लेस निगेटिव, तो ये जो है वो लेस निगेटिव होगी पूरी वैल्यू, क्योंकि एन की वैल्यू तो लेस निगेटिव होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी इनक्रीज होगी। बात समझ में आ गई?